केंद्र की मोदी सरकार द्वारा किसान विरोधी अध्यादेश को मंजूरी देने पर सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस उग्र हो गई है और इस बिल को वापस लेने की मांग की जा रही है। शुक्रवार को सुजानपुर चिल्ड्रन पार्क में ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला और रैली निकालते हुए मोदी सरकार हो बर्बाद के नारे लगाए। कांग्रेस ने कहा कि जिस तरह से केंद्र की मोदी सरकार तानाशाह रवैया अपनाकर देश की जनता को प्रताड़ित कर रही है, वह कतई सहन नहीं होगा। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी बहन प्रियंका गांधी के साथ जिस तरह से यूपी सरकार ने बर्ताव किया है, धक्का मुक्की की है, इस सभी मामले की भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा निंदा की गई। सुजानपुर ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष ज्योति प्रकाश सेना मेडल, ब्लॉक कांग्रेस सचिव और पूर्व प्रधान सुभाष चंद्र मीडिया प्रभारी अमृत आजाद ने केंद्र की मोदी सरकार एवं यूपी की योगी सरकार को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने कहा कि देश का किसान पूरे देश का पालन पोषण करता है, लेकिन आज इस मोदी सरकार ने किसान वर्ग के हितों को दरकिनार करके केवल धन्ना सेठों को आबाद करने का कार्य किया है, जो कि सही नहीं है और कांग्रेस इसकी निंदा करती है। कल हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर योगी सरकार द्वारा जो लाठीचार्ज करवाया गया वह बेहद निंदनीय है। वह एक इतिहास के पन्नों में काला अध्याय लिखा जाएगा, क्योंकि एक किसी के घर पे जाकर जो एक दुर्घटना हुई है उसके ऊपर अपना विचार प्रकट करना, दुख प्रकट करना एक अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी है, और उस आज़ादी को दबाने के लिए योगी सरकार ने जो ये तरीका अपनाया ये बेहद ही निंदनीय है और बेहद ही गलत तरीके से लाठीचार्ज करवाया गया प्रियंका गांधी जी के ऊपर। उन्होंने साथ में राहुल गांधी जी के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज किया गया। इसके उपलक्ष्य में जो भी हमारा ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से है, ये बहुत ही हम योगी सरकार को ये चेताना चाहते हैं, मोदी सरकार को चेताना चाहते हैं कि आम आदमी की अभिव्यक्ति की आज़ादी को जो है वो आप इस तरह रोक नहीं सकते हैं, और ये आने वाले इतिहास में जो है वो बहुत ही काले पन्ने के रूप में लिखा जाएगा। और अगर यदि ये चीज़ें रोकी ना गई तो इतिहास बदलने के लिए अभी बहुत ही जल्दी ही इस चीज़ का हमें का जन्म दिया। 2 अक्टूबर 1879 को मैं गुजरात में पोरबंदर में हुआ था और इनका देश को आजादी दिलाने में बहुत ही अभूतपूर्व प्रयास रहा है, और सत्य और अहिंसा जो है इनका मेन जनता को हिंसा और सत्य पर चलने के लिए प्रेरित किया है। दूसरा लाल बहादुर शास्त्री है, उनका जन्म जो है 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में उत्तर प्रदेश में हुआ था, और वो भी बहुत ही ईमानदार आदमी थे और उन्होंने नारा लगाया था, जय जवान जय किसान का नारा लगाया था। ये प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का नारा था, और जब वो 8 वर्ष के थे तो उनकी मृत्यु हो गई थी, और उन्होंने दूसरे प्रधानमंत्री थे और पयोरी से जाना जाता है, और इन्होंने देश की आज़ादी करने में बहुत योगदान दिया है। ऐसे महान वीरों को साथ साथ नमन हमारी तरफ से, इन्होंने अपना बहुत ही योगदान दिया है देश में आज़ादी दिलाने के लिए। धन्यवाद।